जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम गवर्नेंस को कवर कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में समझने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM Academy ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। अब देखिए, गवर्नेंस को समझने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर काफी पॉपुलर एक मदर है, यहाँ पर काफी पॉपुलर एक फादर है, एंड यहाँ पर काफी पॉपुलर सन है। अब इसमें अगर हम थोड़ी टर्मिनोलॉजीज को समझे तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर ये दोनों कौन है, मतलब मदर एंड फादर ये कौन है, इस बच्चे के ये पेरेंट है। बराबर है, इतना तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें कि ये दोनों कौन है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये दोनों पेरेंट है इस बच्चे के। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब पेरेंट जो है अगर कोई भी चीज बच्चे के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई रूल्स बना रहे हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, स्कूल में डाल रहे हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ये बच्चे से रिलेटेड पेरेंट अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरेंटिंग। समझ में आया? इसको हम कहते हैं पेरेंटिंग। सेम उसी तरह हमारे देश में हमारे ऊपर जो शासन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। मतलब अभी समझ लीजिए, जो बच्चा है ये बच्चे पे जो शासन कर रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, उन्हें हम कह रहे हैं पेरेंट। लेकिन ये जो पेरेंट जिस तरीके से शासन कर रहे हैं इस बच्चे पर, जिस तरीके से the way they are ruling, the way they are treating that child, उसे हम कहते हैं पेरेंटिंग। उसी तरीके से हमारे ऊपर शासन करने के लिए हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है सरकार। सरकार जिस तरीके से एक्ट करती है, सरकार जिस तरीके से वो कानून बना सकती है, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, वो कोई एक्ट बना सकती है, वो कोई कुछ भी कर सकती है, जो भी सरकार वेलफेयर स्कीम चला रही है, जो भी कर रही है, वो सब जो एक्ट है उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। एक्ट मतलब कानून नहीं, जो वो कर रहे हैं, जो एक्शन है गवर्नमेंट की, उसे हम कहते हैं गवर्नेंस, है ना। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस इसमें फर्क क्या है। तो यही फर्क है जो पेरेंट एंड पेरेंटिंग में है। पेरेंट मतलब जो रूल कर रहे हैं, एंड द वे दे आर रूलिंग दैट इज नोन एज पेरेंटिंग। उसी तरह जो गवर्न कर रहा है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। जिस तरीके से द वे दे आर गवर्निंग दैट इज नोन एज गवर्नेंस। समझ में आ गया? एकदम आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए अब यहाँ पर हम मेंस रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो अब आपको लिखना भी पड़ता है। तो अब कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या हमारी लैंग्वेज रहेंगी, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नेंस जो है ये एक एक्सरसाइज है ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि वो कंट्री के अफेयर को सभी लेवल पर कैसे मैनेज करते हैं। जो पेरेंट है वो बच्चों को अपने अपने लेवल पर, अलग अलग लेवल पर, स्कूल लेवल हो जाए, ट्यूशन के लेवल हो जाए, कपड़े खरीदने के लिए हो जाए, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए हो जाए, तो अलग अलग लेवल पर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पेरेंटिंग। उसी तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैसे इस्तेमाल कर रही है अलग अलग लेवल पर देश को चलाने के लिए, देश को गवर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। समझ में आया? एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मैकेनिज्म, इसमें प्रोसेस, इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सिटीजन एंड अ ग्रुप आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट, एक्सरसाइज देयर लीगल राइट्स, मीट देयर ऑब्लिगेशंस एंड मीडिएट देयर डिफरेंसेस। अगर दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो झगड़ा किस तरीके से सुलझेगा? गवर्नमेंट गवर्नेंस की तरह बताई हुई है ना। बैंक के थ्रू अगर आप पैसे ले रहे हो, बैंक को कैसे रेगुलेट करना है, बैंक को क्या करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नेंस कर रही है। बराबर है? तो ये चीज हमें देखने को मिलता है गवर्नेंस। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट अगर वेलफेयर स्कीम के थ्रू पैसा प्रोवाइड कर रही है, जैसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट अगर पॉकेट मनी बच्चे को दे रहे हैं तो पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो आएगा पेरेंटिंग में। उसे वो हम कहेंगे क्या कि पेरेंट्स आर डूइंग पेरेंट, ऐसा हम बोलेंगे क्या? नहीं,
हम बोलेंगे कि पेरेंट्स आर डूइंग देयर पेरेंटिंग वेरी वेल। अब गवर्नेंस में भी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस होता है, उसी तरीके से पेरेंटिंग में भी गुड पेरेंटिंग बैड पेरेंटिंग होती है ना। तो मतलब सब यहाँ पर स्ट्रक्चर, आपको ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ना यूनिवर्सल एग्जांपल है, बस इसको अगर आप पकड़ के चलोगे गवर्नेंस आपको एकदम चुम्मा लगेगा, ठीक है। तो इसको पकड़ के चलो, बस हर हर चीज वहां पर जो लागू हो रही है यहाँ पर भी लागू होगी, वो एक फैमिली के लिए लागू हो रही है यहाँ पर देश के लिए लागू होगी, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें मैकेनिज्म होती है, इसमें प्रोसेसेस होती है, इसमें इंस्टीट्यूशंस होती है, जिसके थ्रू, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन कौन सा खड़ा की है, कोर्ट्स। कोर्ट में जाकर आप अपना झगड़ा जो है वो सुलझा सकते हो। ये क्या है, ये बेसिकली गवर्नेंस ही है ना। अगर गवर्नमेंट ने कोर्ट नहीं लगाए होते तो फिर अपना झगड़ा जो है कैसे रिजॉल्व होता। तो यहां पर बेसिकली ये क्या है, गवर्नेंस है, बराबर है। ये हमें गवर्नेंस देखने को मिलता है। अगर पेरेंट ने घर बनाया नहीं होता तो बच्चे के सर के ऊपर छत होती क्या, नहीं होती। ये क्या है, पेरेंटिंग है, सही पेरेंटिंग दी गई है, जो बच्चे को चाहिए सारी सहूलत वहां पर दी गई है, क्या कहा जाता है, पेरेंटिंग कहा जाता है। अब आपके पेरेंट ने अगर यहाँ पर आपको जो MM Academy का सब्सक्रिप्शन है वो देने में अगर मदद की है, मतलब क्या है, उन्होंने अपनी पेरेंटिंग अदा की है, बराबर है। अगर गवर्नमेंट कोई वेलफेयर स्कीम निकालती है कि अगर कोई बंदा है उसको अगर पैसों की जरूरत है तो उसको अगर गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट अपना गवर्नेंस अदा कर रही है। अगर पेरेंट ने आपको यहाँ पर MM Academy का सब्सक्रिप्शन लेने से मना कर दिया कि नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, तुम खुद से अगर हो सकता है तो पढ़ो, नहीं उसको हम कहेंगे बैड पेरेंटिंग। उसी तरह अगर गवर्नमेंट सही ढंग से वेलफेयर स्कीम्स नहीं दे पा रही है, अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पा रही है जहां पर इक्वालिटी मिले, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा अगर नहीं बना पा रही है उसको हम कहेंगे बैड गवर्नेंस। अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ कर ले रही है तो उसे हम कहेंगे गुड गवर्नेंस। समझ में आ गया, एकदम ही आसान है। अब अगर गवर्नमेंट इस तरीके के चीज जो है वो बोलने लग जाए कि यार शेविंग करने का पैसा नहीं है मित्रों, सारा पैसा बांटने में जा रहा है, तो कैसे हम बाकी इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ करेंगे, ये गुड गवर्नेंस होगा क्या, नहीं होगा। गुड गवर्नेंस मतलब है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को आपको सुदृढ़ रखना पड़ेगा, भले वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले वो एजुकेशन हो, सभी सेक्टर्स को आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे भाई साहब गुड गवर्नेंस जो है वो हो रहा है। सबसे पहले तो गवर्नेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इससे और डीप में और इससे और डिटेल में जाने की जरूरत, इससे और डिटेल में चलेगा आप तो PhD कर लोगे फिर, है ना। तो इतना गवर्नेंस को समझने के लिए काफी सफिशियंट है, इनफ है। अब कॉन्सेप्ट जो है गवर्नेंस का, देखिए क्या है कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है एग्जाम में, लिखने की लैंग्वेज आपकी कैसी रहनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर थियोरी भी पता रहनी चाहिए, थियोरी को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, नहीं तो क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल से आपको गवर्नेंस समझ में आ गया, चलो आगे गुड गवर्नेंस लो, गुड गवर्नेंस समझा दिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। वैसा अगर मैं करूँ तो हम एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो रहे, फिर हम यहाँ पर सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बाकी आपके घर पे। हाँ, यहाँ पर मेरा मकसद क्या है, यहाँ पर मेरा मकसद है कि ये आपका होल सोल एक सोर्स रहे, ये सोर्स के बाहर आपको कोई भी और सोर्स रेफर करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए यहाँ पर जो थियोरेटिकल लेवल पर भी मैं यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट डेटा लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको लिखने में भी आसानी जाए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस अगर हम देखते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, ये रेफर किया जाता है टू द प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। एक एक वर्ड कैचिंग वर्ड याद रखिए, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। एंड structures, ये क्या है, स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेकर आती है। क्या लेकर आती है, अकाउंटेबिलिटी। पहले तो हमारा एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, ये यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है, ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आता है, ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आता है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ लेकर आता है, ये यहाँ पर इक्वालिटी लेकर आता है, ये यहाँ पर इंक्लूसिवनेस लेकर आता है, ये यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन लेकर आता है। समझ रहे हो आप, मतलब बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस में अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत हमारी इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लेकर आ गई कि जो भी सरकारी अफसर है उसको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता है, ये भी क्या है, ये भी गवर्नेंस, ये भी क्या है, एक गवर्नेंस है। लेकिन इससे ओपेकनेस आ रही, ट्रांसपेरेंसी आ रही क्या, नहीं आ रही, इससे ओपेकनेस आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे अकाउंटेबिलिटी हो रही है क्या, नहीं हो रही है, इससे कुछ भी हमें अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ये गवर्नेंस में आएगा, लेकिन ये बैड गवर्नेंस में आएगा। लेकिन अगर सरकार कुछ ऐसे कानून लाती है, ऐसे रूल्स लाती है, ऐसी अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है कि जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसे हम कहेंगे गुड गवर्नेंस, बराबर है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है कि जवाब का सवाल जो है वो देना पड़ेगा, वैसा देना तो पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नेंस जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द सिस्टम। जो भी रूल्स है किसने लाए है, जो हम पे शासन कर रहा है उसने लाए है, जो गवर्नमेंट है उसने लाई है, गवर्नमेंट ने लाई है, तो जो भी गवर्नमेंट कर रही है इज एवरीथिंग गवर्नेंस, सब कुछ गवर्नेंस है, जो भी उनका एक्शन हो रहा है वो गवर्नेंस है,
ठीक है, जिससे पब्लिक अफेयर जो है मैनेज किए जाते हैं ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी वे में, जिससे कि हर कोई पार्टिसिपेट भी कर सके। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखते हैं, गवर्नेंस जो है उनको डिफाइन किया जा सकता है एज द इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट इन विच सिटीजंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। देयरफॉर गवर्नेंस इज मोर सिग्निफिकेंट देन जस्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। यहां पर क्या है, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आज जो आप घूम रहे हो, इट्स ड्यू टू गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस के तहत हमें आजादी मिल रही है कि हम हर जगह घूम सके। आज अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, कर सक रहे हो, आज अगर आप ये लेक्चर देख सक रहे हो, इज ड्यू टू द गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, गवर्नमेंट ने ये गवर्नेंस किया है कि वो आपको ये सहूलत मिल सके कि आप इंटरनेट पर घर बैठे ये जो लेक्चर है ये देख सकते हो, या कहीं पर भी बैठे हुए आप ये लेक्चर जो है वो देख सको। तो ये हमें गवर्नेंस जो है वो देखने को मिलता है। अब यहां पर डिफरेंस क्या है और सिंप्लीफाई करके डिफरेंस जो है वो देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखो, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ये एक स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस को फैसिलिटेट करती है। मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जो यहां पर गवर्नेंस को फैसिलिटेट करती है। मतलब पेरेंट क्या है, पेरेंट एक स्ट्रक्चर है हमने बनाया हुआ, पेरेंट एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, मतलब पेरेंट को हमने नहीं बनाया लेकिन हमने वो नामांकरण किया हुआ है कि ये पेरेंट है, बराबर, ये पेरेंट है, ये यहां पर फैसिलिटेट करेंगे पेरेंटिंग को, उनके द्वारा बच्चों के लिए जो भी किया जाएगा वो रहेगा पेरेंटिंग। गवर्नेंस क्या है, ये एक प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस है जहां पर वेरियस वेलफेयर जो है लोगों का, वो यहां पर उसके लिए कुछ चीजें जो है वो की जाती है। ये एक मशीनरी है, ये एक ऑर्गन है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो वेरियस एक्टिविटीज जो उस ऑर्गन के द्वारा की जा रही है उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। समझ में आ रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे फॉर्मल सेटअप है ना, जो यहां पर इंटरैक्ट करता है, जो इंटरैक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं गवर्नेंस। तो अब आसान तरीके से आपको समझ में आ गया है, कभी कभार लिखने को बोला जाए डिफरेंस तो वो भी आप लिख लोगे। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो वेरियस एंटिटीज जो गवर्नेंस में इन्वॉल्व होती है ना, गवर्नेंस में क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री इन्वॉल्व होते हैं, यहां पर वेरियस एंटिटीज जो है वो इन्वॉल्व होती है। मतलब अगर हम फॉर्मल गवर्नमेंट देखते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, तो वो तो इन्वॉल्व है ही, वो तो इन्वॉल्व है ही। मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको भी हम गवर्नेंस कहेंगे। मतलब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अगर सही न्याय दे रहा है वो भी हम यहाँ गवर्नेंस में ही इंक्लूड करेंगे। लेकिन अदर एक्टर जो है, जैसे कि एनजीओज हो गए, सिविल सोसाइटीज हो गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लॉबिस्ट हो गए, एमएनसीज हो गए, मीडिया कोऑपरेटिव्स हो गए, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशन जो है काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको काफी इन्फ्लुएंस भी करते हैं, है ना। कहीं हम देखते हैं कि सरकार ने अगर कोई निर्णय ले लिया तो एक कोई लॉबी है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो कर लेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन इसके वजह से चेंज करती है। मतलब इसमें यह हमें देखने को मिलता है, जैसे हमने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जो हमने देखा था, है ना, याद आ रहा है आपको। अब यहां पर जब हम बात करते हैं इन शॉर्ट, तो गवर्नेंस क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन इंप्लीमेंटेशन। मतलब यहां पर गवर्नेंस क्या होता है कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन इंप्लीमेंटेशन, ये सभी हमें देखने को मिलता है गवर्नेंस में। गवर्नेंस इज व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट जो कर रही है, पेरेंटिंग इज व्हाट पेरेंट डज, सेम उसी तरह गवर्नेंस इज व्हाट गवर्नमेंट डज, है ना। तो यहां पर अगर ये बोले क्या करे क्या ना करे कैसी मुश्किल है, दिस इज ऑल्सो गवर्नेंस। शेयर स्टेक होल्डर्स अगर हम देखते हैं, स्टेट्स है, सिविल सोसाइटीज है, मार्केट्स है, ना, ये हमें यहाँ पर स्टेक होल्डर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं गवर्नेंस, ठीक है, एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है पब्लिक गवर्नेंस, हमें देखने को मिलता है प्राइवेट गवर्नेंस, हमें देखने को मिलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंट। तो अब यहाँ पर पब्लिक गवर्नेंस जो है वो क्या है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है गवर्नमेंट फॉर पब्लिक गुड लिया जाता है। यहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, वो किसके लिए ले रही है, पब्लिक गुड के लिए, जनता की भलाई के लिए, है ना। इसमें हमें हेल्थ से रिलेटेड चीजें देखने को मिल सकती है, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, इसमें लाइवलीहुड से हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है। देन नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज अगर कोई भी निर्णय ले रही है वो हम कहेंगे प्राइवेट गवर्नेंस। क्या कहेंगे, प्राइवेट गवर्नेंस। यहाँ पर कॉर्पोरेट में क्या आएगा, कॉर्पोरेशन थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स, कॉर्पोरेशन अगर हो रहा है वेरियस स्टेक होल्डर्स के थ्रू उसे हम कहेंगे कॉर्पोरेट। एंड फाइनली लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, वो हमें एनवायरमेंट जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या है,
पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या है, जिसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है वेरियस लोगों के द्वारा, मतलब सिटीजन्स पार्टिसिपेशन अगर गवर्नेंस में होता है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, है ना। मतलब अब यहाँ पर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ पर जैसे इनको लग रहा है कि अब पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी गाइडेंस, रिव्यू, ये सब में अगर गवर्नमेंट के हिसाब से जनता भी अगर पार्टिसिपेट कर रही है, सिटीजन भी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब हमारे पर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत इनडायरेक्टली हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। हमारे ही जो भेजे हुए लोग हैं वो वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठकर जो जो फालतू की चीजें हैं वो कर रहे हैं, जो बातें हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो वो बेसिकली क्या है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो जा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम ही वहां पर वो सारी चीजें कर रहे हैं, है ना। तो वो हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया हैज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब बेसिकली क्या है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे ही भेजे हुए लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, जो लॉज बनाना है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पर हम आते हैं गुड गवर्नेंस पर। तो गवर्नेंस अब आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ गया है। अब हम आते हैं गुड गवर्नेंस पर। गुड गवर्नेंस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो कौटिल्य जो है, चाणक्य जो है उनके द्वारा यहाँ पर गुड गवर्नेंस के बारे में बताया गया। कौटिल्य जिनको चाणक्य जो ये भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र है ना, काफी काफी विद्वान, मतलब मैं तो बहुत मानता हूं इनको। तो ये जो है उन्होंने यहाँ पर ट्रेड जो है जो किंग के पास रहने चाहिए वेलफेयर स्टेट के लिए, वो उन्होंने बताया, जैसे गुड गवर्नेंस। अब देखिए, कोई राजा अगर प्रजा से बहुत ज्यादा कर वसूल कर रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है, जनता पर अगर कोड़े बरसा रहा है, वो भी एक टाइप का गवर्नेंस है, लेकिन वो बहुत ही वाहियात बैड गवर्नेंस है। यहाँ पर कौटिल्य जो चाणक्य, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि राजा जो है उसकी खुशी किस में रहनी चाहिए, जो जनता है उनकी खुशी में रहना चाहिए, जनता है उनके वेलफेयर में उसकी खुशी रहना चाहिए। अब एक किस्सा जो है मुझे याद आता है, जो मैंने पढ़ा हुआ था, कि जब सब जीत लिया जाता है, मतलब जो चंद्रगुप्त है वो राजा बन जाता है, उस टाइम पर ये जो चाणक्य है ये एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। अब वहां पर ऐसा था कि उनके पास दो जो दिए हैं वो रखे हुए थे। अब एक बाहर का कोई व्यक्ति जो है वो आता है, और उसमें ऐसा होता है कि वो कुछ कागजों पर कुछ साइन वाइन चाहिए होती है। अब उस टाइम पर क्या होता है कि दो दियों में से एक दिया जो है वो चलता रहता है, तो चाणक्य क्या करते हैं, ये जो दिया है इसको बुझा देते हैं, इस दिए को जलाते हैं, एंड देन वहां पर वो चीजें जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो बाजू में इंसान बैठा हुआ था उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया कि ये दिया बुझाकर आपने वो दिया शुरू कर दिया, सेम ही तो चीज है, लाइट जो रोशनी जो सेम ही पड़ रही है। चाणक्य ने जो कहा उससे होश उड़ गया सामने वाले के। चाणक्य ने कहा कि ये जो दिया है ये मेरा पर्सनल दिया है, इसमें मेरा पर्सनल तेल है, जब मैं पर्सनल काम करता हूं तो ये दिया जलाकर काम करता हूं, और ये जो दिया है ये सरकारी तेल पर चलता है, तो अभी मैं सरकारी काम कर रहा हूं तो सरकारी दिया जो है वो जला रहा हूं, जब मैं पर्सनल काम करता हूं तो पर्सनल दिया जलाता हूं। इसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसे हम कहते हैं अपनी पावर का गैर फायदा ना उठाना, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब अपने प्लेजर के लिए ना जिए, जो जनता है उनके लिए जिए, जनता के प्लेजर के लिए जिए। इसलिए किंग इज जस्ट अ टाइटल जो यहाँ पर दिया गया है लोगों के द्वारा उसको गवर्न करने के लिए, कि लोग सब अगर एक साथ गवर्न करना शुरू करेंगे क्योस हो जाएगा। तो एक इंसान है, तुम यहाँ पर हमको, हम पर शासन करो, तुम हमारे लिए कानून बनाओ, हमको पता है हमारे भलाई के लिए करोगे, वो भरोसे के साथ राजा को बिठाया जाता है, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अल्टीमेट रोल जो है राजा का वो है कि यहाँ पर गवर्न किया जाए वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, लोगों के भलाई के लिए यहाँ पर जो है वो काम किया जाए। ओरिजिन जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं गुड गवर्नेंस का, राजा वाजा तो है नहीं, प्रधानमंत्री है। कॉन्सेप्ट जो है गुड गवर्नेंस का वो हमें देखने को मिलता है प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। हमें प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस को समझना बहुत जरूरी है। गवर्नेंस जो है मतलब है पार्टिसिपेशन फॉर्म ऑफ ऑल दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब सोचिए कि अगर सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूसिव है, सभी लोगों को सही अनाज मिल पा रहा है, सभी लोगों के पास, सभी लोग खुश है, सभी लोग जो है वो अगर उनको हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, सभी लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, ये सभी क्या बनता है, गुड गवर्नेंस बनता है, बराबर है। यही क्या बनता है, गुड गवर्नेंस बनता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस इमर्ज एट द एंड ऑफ 1980s एरा ऑफ ट्यूमल्टियस ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो। इसमें अगर आप देखोगे तो बर्लिन वॉल कोलैप्स नवंबर 1989, इसने यहाँ पर चेन ऑफ इवेंट जो है वो हमें देखने को मिलता, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होते हैं, हमें यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, सोवियत यूनियन का। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से काफी हड़कंप जो है वो मच जाता है, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कौन अच्छा शासन कर पा रहा है, कौन लोगों की भलाई के लिए सोच रहा है, कौन अच्छा शासन कर रहा है। गुड गवर्नेंस जो है ज्यादा यहाँ पर प्रमाण पर हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखोगे 1989 वर्ल्ड बैंक स्टडी सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ स्क्रूटिनाइज द डेवलपमेंट प्रॉब्लम ऑफ सब सहारन अफ्रीका।
यहाँ पर देखा गया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीजें। फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म गवर्नर जो है इस्तेमाल किया गया नीड फॉर ग्रेटर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड बेटर मोर इफिशियंट पब्लिक सेक्टर इन दिस कंट्री। यहाँ पर गवर्नर्स का इस्तेमाल किया गया कि नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर करना चाहिए, जनता जो उनके लिए करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर देखनी चाहिए, जो सेक्टर्स है कंट्री के लिए वो यहाँ पर देखने चाहिए। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस्तेमाल किया गया, अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस्तेमाल किया गया कॉन्सेप्ट जो है गुड गवर्नेंस का, इसको काफी ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है ये मिल गई। कोई बड़ा व्यक्ति अगर इस्तेमाल करता है तो पॉपुलैरिटी मिल जाती है ना, वही हमें देखने को मिलता है। समझ लीजिए, अगर मैं आज, मुझे कोई नहीं जानता है, तो मैं अगर कोई भारी भरकम एकदम ही भारी भरकम चीज भी बोल दूं, है ना, तो फिर कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए, फिर अगर बोले, जैसे शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था जब वो काफी बड़े स्टार बन चुके थे, तब उनसे एक इंटरव्यूअर जो है वो पूछ रहा था कि आप बोलते, आप बार 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 आउट ऑफ कंट्री जाते रहते हो, बोलते है ना, कितना पैसा कमाओगे, बोलते बस पैसे के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, पैसे के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, पैसे के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो। शाहरुख खान का जवाब था, नहीं नहीं मैं पैसे के लिए नहीं करता, आजकल तो मैं छींकता हूँ तो भी लोग मुझे पैसा देते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि एक बार अगर आपकी वैल्यू बन गई, एक बार अगर आप वो इंसान बन गए, तो फिर लोग आपके छींकने पर भी आपको पैसा देंगे। तो वो चीज यहाँ पर होती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने नाम ले लिया ना, अरे बाप रे, गवर्नेंस गवर्नेंस गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस, है ना, ये यहाँ पर वेलकम किया गया। और सभी कंट्रीज जो है उन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का सोचा कि गुड गवर्नेंस हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट्स अगर हम देखते हैं गुड गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस जो है यूनिवर्सली अक्लेम्ड डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ना, जो इफेक्टिव इफिशियंसी इस पर रिलाय करता है कि प्रॉपर इफेक्टिवली कौन काम कर पा रहा है, इफिशियंसी के साथ कौन काम कर पा रहा है, उस पर ये रिलाय करता है ना। तो अगर आप देखो कि गुड गवर्नेंस जो है उसके कौन कौन से हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी है ना, अकाउंटेबल रहना चाहिए कि इस जवाब का सवाल जो है वो देना ही पड़ेगा। अगर अकाउंटेबल नहीं है जो भी उन्होंने काम किया है, क्योंकि एक्शन को हम गवर्नेंस कहते हैं, वो एक्शन उन्होंने क्यों ली है, अगर वो लॉजिकली बता पाए कि ये हमने जनता के भलाई के लिए किया है, वो अकाउंटेबिलिटी हो गई। तो ये गुड गवर्नेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है। रिस्पॉन्सिव है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फटाक से रिस्पॉन्सिव होकर वो कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये गुड गवर्नेंस की निशानी है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव है, सभी लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, नहीं तो अमीर अमीर लोग मेरे साथ आओ, गरीब गरीब लोग चलो मर जाओ, तो ये सही नहीं है, ये बैड गवर्नेंस है ना। ट्रांसपेरेंसी अगर रख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं कि जो जनता के पास से पैसा आया है टैक्स के रूप में, वो कैसे कैसे खर्च हो रहा है, जनता को पूरा पता चल रहा है कि यार हमारे तरफ से गवर्नमेंट जो है उनके पास 100 रुपए आए थे, गवर्नमेंट ने 105 रुपए जो है वो टोटल खर्च किए हैं, 5 रुपए का इन्होंने उधार जो है वो लिया हुआ है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर है तो गुड गवर्नेंस में कहलाएगा। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ अगर फॉलो किया जा रहा है, अमीर इंसान है उसने अगर किसी गरीब व्यक्ति को मार दिया और वो छूट गया, लेकिन गरीब व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति पर कुछ बोल दिया तो उसको सीधा जेल में डाल दिया, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, बैड गवर्नेंस होता है। तो रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, इफेक्टिव एंड इफिशियंट जो है वो रहना चाहिए, पार्टिसिपेटिव रहना चाहिए, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड कंसेंसस ओरिएंटेड रहना चाहिए, जो जनता है वो जो बोल रही है उसके बलबूते पर चीजें होनी चाहिए, ये हम कहेंगे गुड गवर्नेंस। तो एलिमेंट्स अगर आपको आते हैं तो सारे एलिमेंट्स आपको लिखना बहुत जरूरी है। इसमें अगर हम पार्टिसिपेशन देखते हैं तो लोग जो है वो यहाँ पर लोग सुप्रीम है ना, लोगों का यहाँ पर सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर लोगों के ओपिनियंस है वो यहाँ पर सही ढंग से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मेन विमेन सभी इंक्लूडेड रहना चाहिए, वल्नरेबल सेक्शन जो है वो भी इंक्लूडेड रहना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटी सभी इंक्लूड रहना चाहिए, सभी ने जो बोला हुआ है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्रेशन ये हमें देखने को मिलता है गवर्नेंस के रूप में। देन रूल ऑफ लॉ अगर हम देखते हैं, लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इम्पार्शियली यहाँ पर एनफोर्स होना चाहिए। अगर जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है वो पैसा देकर अगर छूट रहा है तो वो हम गुड गवर्नेंस में नहीं गिनेंगे, है ना। बिना रूल ऑफ लॉ के पॉलिटिक्स जो है वो सही ढंग से हो ही नहीं सकती है, न्याय सही ढंग से मिल ही नहीं सकता है। कंसेंसस ओरिएंटेड रहना चाहिए, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग जो है इंश्योर करना चाहिए कि इवन इफ एवरीवन डज नॉट अचीव व्हाट दे वांट टू फुलेस्ट, कॉमन मिनिमम कैन बी अचीव्ड बाय एवरीवन। मतलब क्या है यहाँ पर कि समझ लीजिए कि अगर जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमने एक कानून बनाया हुआ है कि जो मर्डर करेगा उसको यहाँ पर सजा होगी, तो बेसिकली हम सबको खुश कर रहे हैं क्या? नहीं, जो मर्डरर्स है वो यहाँ पर नाखुश है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पर कुछ सेक्शन ऑफ द लोग जो है वो यहाँ पर हैप्पी रहेंगे टू द फुलेस्ट। ये हमें यहाँ पर कंसेंसस ओरिएंटेड इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है इक्विटेबल सोसाइटी को बात करता है कि यार सभी यहाँ पर साथ में आओ, लोग जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो यहाँ पर साथ में आकर काम कर सके, वेलबींग हो न सके, मेंटेन करना चाहिए सब सारी चीजें, है ना। इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर रिजल्ट जो है कम्युनिटी ओरिएंटेड यहाँ पर निकलने चाहिए, जिससे कि इफेक्टिवनेस दिखे। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाई है कि गरीबी रेखा से सबको बाहर निकालेंगे, तो हमें दिखना चाहिए कि निकल रहे हैं,
फार्मर्स के लिए अगर कोई स्कीम लाई है तो फार्मर का बेनिफिट होना चाहिए, फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी तो डबल होती भी दिखना चाहिए। रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी शुड बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी वही है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर सही अकाउंटेबल रखना चाहिए, लोगों के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए, क्यों यहाँ पर क्या है बताना चाहिए, सारी चीज़ें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट सेक्टर सब यहाँ पर स्टेक होल्डर है उनका। ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पर लोग जो है उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने का अधिकार, ट्रांसपेरेंसी के लिए एक जो कानून देखने को मिलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब बेसिकली क्या है जनता को यहाँ पर पता चलता है। देन रिस्पॉन्सिवनेस, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस शुड सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, बराबर है ना, नहीं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम सबको गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे, लेकिन पता चल रहा है कि 2050 में 2060 में, समझ रहे हो, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस भी सही ढंग की रहनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस जो है गुड गवर्नेंस का वो क्या है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, देखिए मेंस में अगर आपको आता है ना सारे पॉइंट सीखना बहुत जरूरी है तो याद करने पड़ेंगे भाई साहब आपको। यहाँ पर बेसिक ऑफ वेलफेयर स्टेट्स है, इंपॉर्टेंस क्या है, वेलफेयर स्टेट लोगों का भला हो उसके लिए सबसे बेसिक चीज है, मूलभूत चीज है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना क्योंकि लोगों का इंक्लूसिवनेस रहेगा, जो भी हमने फैक्टर्स देखे हैं, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिवनेस रहेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, तो अपने आप डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि अकाउंटेबल है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना। देन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ होगी क्योंकि सभी को साथ में लेकर यहाँ पर हम चल रहे हैं। उसी के साथ साथ सिटीजन एम्पावरमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी क्योंकि जनता जो है उनको यहाँ पर एम्पावर किया जा रहा है, जनता के भलाई के लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है। गवर्नेंस जो है पार्टिसिपेशन के थ्रू और इम्प्रूव होगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, करप्शन रिड्यूस होगा क्यों, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ये सब हमें देखने को मिल रही है। ग्रोथ इंप्रूव होगी, अपने आप करप्शन रिड्यूस हो जाएगा तो ग्रोथ होनी वाली है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंस है गुड गवर्नेंस के वो हमें देखने को मिलते हैं। इश्यूज जो है इंडिया में वो क्या क्या है, सबसे पहले तो ये है पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेंट्रलाइजेशन, ये हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मतलब ज्यादातर क्रिमिनल्स हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिक्स में है ना, सेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो जो ग्रास रूट लेवल है वहां तक लोगों को जो एम्पावरमेंट है पहुंचेगा ही नहीं है ना, इसीलिए तो हमें देखने को डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज ये सब, तो हमारे पास समस्या है अभी कि सेंट्रलाइज्ड बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लीगल जुडिशियरी, इसमें डिले काफी होता है, तारीख पे तारीख, करप्शन भी इसमें हमें देखने को मिलता है, अकाउंटेबिलिटी का भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। हाल ही में अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाल ही में मतलब कुछ साल पहले ही देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने वो ऑफिस जो है वो आरटीआई के अंडर में है, मतलब अब तक ट्रांसपेरेंसी भी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में देखे तो वहां पर भी काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इकोनॉमिक इसमें देखे तो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट हमें बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ना, फिस्कल डेफिसिट ये सब आपको पता होगा इकोनॉमिक के इसमें। फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, समझ लीजिए जो उधार लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, जरूरी नहीं है 100 रुपये आ रहा है और गवर्नमेंट को 100 ही रुपये खर्च करना है, गवर्नमेंट 100 रुपये आ रहा है 110 रुपये खर्च कर रही है, 10 रुपये उधार लेना पड़ेगा, यही उधार है डेफिसिट। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, तो ये इश्यूज हमें भारत में देखने को मिलते हैं। इनिशिएटिव्स उसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिला है ना, जो 73rd, 74th अमेंडमेंट एक्ट जिसके थ्रू हमें 11th, 12th स्केड्यूल देखने को मिलता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमने यहाँ पर स्ट्रेंथन की। सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जिसे ग्रेवेंसेस रिजॉल्व हो जाए। विजिलेंस इंस्टीट्यूशन जिससे करप्शन अगर हो तो उसको हम रिजॉल्व कर सके। डिजिटल इंडिया जिससे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और हम ज़्यादा बढ़ा सके। ई गवर्नेंस जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी अगर हम देखते हैं तो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्टिंग इन ओपन मैनर, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं और ओपन मैनर में हम यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये UNDP के द्वारा डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। समझ में आ गया, एकदम ही आसान, मतलब इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं ओपन मैनर में एक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी हमने यहाँ पर पर्दा ना रखा है। देन डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है ये लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तभी तो ट्रांसपेरेंसी रखने में कोई हरकत नहीं होगी ना, नहीं तो क्या है अगर हम चुपके से कोई काम कर रहे हैं यार ये होता नहीं है पैसे लेकर कर दो ना, तो हम वो ओपन रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। कंप्लीट साइकिल ऑफ ओपन टू रिव्यू पब्लिक राइट टू नो, यहाँ पर लोगों का अधिकार है जानना कि आपने कैसे किया, क्यों ये इंसान को टेंडर मिला, क्यों यहाँ पर ये इंसान जो है जेल से छूट गया, क्यों ये जो इंसान है इसको यहाँ पर इतना पैसा मिला है ना। यहाँ पर टाइप अगर हम देखते हैं तो एजेंट कंट्रोल देखने को मिलता है, नॉन एजेंट कंट्रोल देखने को मिलता है। एजेंट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है। एक है यहाँ पर नॉन एजेंट कंट्रोल, मतलब यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स, यहाँ पर NGOs बोलिए, सिटीजन्स बोलिए, नॉन प्रॉफिट्स बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं, टू वे ट्रैफिक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करना चाहिए सुओ मोटो,
क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, कोर्ट के द्वारा ही बोला गया है कि अगर हम आरटीआई लेकर भी आ रहे हैं, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना 2005 का जो हमें देखने को मिलता है, उसके तहत अगर हम यहाँ पर बहुत सारे अगर एप्लीकेशन आते रहेंगे कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो इसमें मतलब नहीं बनेगा। मोस्ट ऑफ दी जो गवर्नमेंट के लोग है वो इन्फॉर्मेशन देने में उनकी जिंदगी चली जाएगी। इससे बेटर है कि सुओ मोटो गवर्नमेंट ने खुद होकर बहुत सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, वेबसाइट पर डाल देनी चाहिए, जिससे कि ये जो एप्लीकेशन है बहुत कम आए, है ना। देन पब्लिक जो है उनको भी यहाँ पर डिमांड करने का अधिकार है कि इन्फॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड करो। ये ट्रांसपेरेंसी हो गई। क्या क्या है डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इसके राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, आईसीटी यूज, इक्विटेबल रीच, देन पब्लिसिटी अगर हम देखते हैं तो क्लियर फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिस्क्लोजर का यहाँ पर बार नहीं, ट्रांसपेरेंसी के डायमेंशन है। ओपेक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बार ऑन डिस्क्लोज, डिफेंस हो गए, नेशनल सिक्योरिटी हो गए, उसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। आप अगर सोचो कि अभी गवर्नमेंट, आपको पता चला है कि गवर्नमेंट जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है, आपने आरटीआई के थ्रू मांग लिया कहाँ कहाँ करने वाली, कैसे कैसे करने वाली, सामने वाला जो देश है वो तो सतर्क हो गया ना, तो उसमें नहीं हो सकता है। देन रेगुलेटेड डिस्क्लोजर मतलब ऑफिशियल सीक्रेट्स हो गए, जो सीक्रेसी नहीं बतानी पड़ती है, फॉरेन पॉलिसीज हो गई जो हम छुपा कर रखना पड़ता है, तो ये आप यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं, इसमें ओपेकनेस रह सकती है। देन विसल ब्लोअर जो होते हैं, मतलब अगर किसी को कुछ पता चल गया कि गवर्नमेंट इस तरीके से चीजें कर रही है, यहाँ यहाँ पर जो है वो घपले हो रहे हैं, तो यहाँ पर विसल ब्लोअर जो है जो यहाँ पर बता देता है कि हाँ कुछ घपला हो रहा है, वो लड़ता है, उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है, नहीं तो क्या है यहाँ पर बहुत उसको हानि पहुंचती है। कितने सारे जो विसल ब्लोअर्स है, कितने सारे एक्टिविस्ट जो उनको मार दिया जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर लीक ना हो जाए, तो ये भी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है चेक अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट। ट्रांसपेरेंसी अगर रहती है तो उससे मिसमैनेजमेंट जो भी हो रहा है, जो भी यहाँ पर घपले हो रहे हैं सरकार में, उसका चेक हमें देखने को मिलता है ना। ये ट्रस्ट इंस्पायर करता है कि अगर हमें पता चले कि हाँ यार हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली हुई है, कुछ घपला नहीं है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है और सही ढंग से कर रही है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ाते हैं। देन सिटीजन एम्पावरमेंट जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सिटीजन भी एम्पावर हो रहे हैं ना, बराबर है। अब अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिलता है मैकेनिज्म जो डिजाइन किया गया है टू एंश्योर एंसरेबिलिटी। मतलब यहाँ पर एंसरेबिलिटी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पर किया है उसका जवाब यहाँ पर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम ये मीम देखते हैं तो मीम अगर आपने पता है आपको तो सही है कि जवाब का सवाल जो है वो तो देना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी क्या, हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है उसका जवाब उनको देना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है ना। बींग लाइबल टू एक्शन टेकन ऑक्यूपाइंग एन ऑफिस, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट अगर समझ लीजिए डीमोनिटाइजेशन कर रही है तो क्यों कर रही है, अगर गवर्नमेंट जीएसटी ला रही है तो क्यों ला रही है, अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा रही है क्यों लगा रही है, तो ये सारे जो जवाब है अगर गवर्नमेंट लॉजिकली दे रही है तो हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी है, मतलब एंसरेबल है वो, उनको जवाब देना पड़ेगा। एंसरेबल टू ईच एंड एवरी मूव टेकन, जो भी उन्होंने यहाँ पर मूव लिया है पर्सनल नहीं, ऑन पब्लिक ग्राउंड, ठीक है, तो पब्लिक ग्राउंड ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके डायमेंशन अगर हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल, बराबर है, इंटीग्रिटी ऑफ ऑपरेशन, इंटीग्रिटी रहती है, सेपरेशन ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये डायमेंशन जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। अब एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल, सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है पॉलिटिकल, इसमें लेजिस्लेटर अकाउंटेबिलिटी, मतलब टू द हाउस रिप्रेजेंटेटिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब क्या हो गया लेजिस्लेटर की अकाउंटेबिलिटी हो गई। देन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो पीएसी, स्टैंडिंग कमेटी, ये सब हमें देखने को मिलती है उसकी अकाउंटेबिलिटी। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव बजट स्क्रूटिनी, कट मोशन, ये सब अकाउंटेबिलिटी हो गई कि भैया बताओ बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर हम देखते हैं तो लॉ जो गवर्न कर रहे हैं, सर्विस जो यहाँ पर ले रहे हैं, जुडिशियल अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिपब्लिक, है ना, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली एंसरेबिलिटी, जो आंसर उनको यहाँ पर देना है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी का तो हमें देखने को मिलता है सर्विस डिलीवरी यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि यार पता है अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा तो मैं सही करूँगा ना, सही ही करूँगा। अब कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, अगर वो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहा है तो वो यहाँ पर अकाउंटेबल रहेगा क्या, वो बताएगा क्या, या फिर अगर उसको बताना पड़े तो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करेगा क्या, नहीं करेगा। तो मतलब सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है, परफॉर्मेंस जो उसको मेजर किया जा सकता है कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि जवाब दे रहा है। इंसेंटिव्स टू अचीव टारगेट, यहाँ पर इंसेंटिव्स दे सकते हैं, प्रोवाइड किए जा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ जो उसका अपहोल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा अगर उसको वो आंसरेबल है, अगर वो अकाउंटेबल है। इफिशियंसी अचीव होती है, फेयरनेस जो है वो अचीव होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है।
अब नेक्स्ट इसमें हम ई गवर्नेंस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, मतलब सारे पहलू जो है ई गवर्नेंस के वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।